एमपी में इन दिनों सियासत का सिलसिला जारी है, जहां प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मंत्री तुलसी सिलावट ने कांग्रेस को समूहों में बटा हुआ बताया। सुनो, मैं आपसे पूछता हूं, 2018 में कांग्रेस ने एक वचन पत्र तैयार किया था, मैं आपके संज्ञान में ला रहा हूँ। उसमें मुख्यमंत्री पूर्व कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और सिंधिया जी भी थे। उन्होंने कहा था कि 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम पूरे मध्य प्रदेश के किसानों का 10 दिन में 2 लाख का कर्ज माफ कर देंगे। ये पहला वचन। दूसरा वचन था तरुण को बेरोजगारी भत्ता 4000 रुपये देंगे, और जो बेटियों की शादी होती थी किस्त बढ़ाकर 51 कर देंगे। स्व सहायता समूह का हम लोन माफ कर देंगे। पूरे मध्य प्रदेश के सामने पूरी कांग्रेस को मैं चुनौती देता हूं कि एक भी किसान का 10 दिन में 2 लाख का कर्ज माफ किया हो। यहां धोखा दिया, बेरोजगारी भत्ता एक को दिया, यहां धोखा दिया। उन्होंने जो स्व सहायता समूह बेटियों बहनों की जो समूह होती है उनको एक का भी लोन माफ नहीं किया, यहाँ धोखा दिया। कांग्रेस एक खुद झूठ का पुलंदा है। कांग्रेस का नेतृत्व कौन कर रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। एक समूह कमलनाथ जी का, एक समूह दिग्विजय सिंह जी का, एक समूह राहुल भैया का, एक पचौरी जी का, एक अरुण जी का, समूह में बटी है कांग्रेस। लेकिन